तो गाइस हमने मोस्ट ऑफ गैजेट का रिव्यू कर रखा है, बट आज का जो वीडियो होने वाला है गेम गैजेट के ऊपर वीडियो, जो प्राइस है सभी का बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, यानी बहुत ही अच्छे प्राइस के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। फोर जो गेम गैजेट है ये आपको 400 से कम के प्राइस में देखने को मिल जाएगा, और एक जो जायरोस्फीयर है इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट बहुत ही ज्यादा आप इंजॉय करोगे इस सभी गेम के साथ। तो वीडियो पूरा देखिए एंड चलिए देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होता है गैजेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहला जो गेम गैजेट होने वाला है ये होने वाला है एक जायरोस्फीयर। ये बहुत ही अच्छा गैजेट है, जैसे स्पिनर होता है उसी तरह से ये भी है। इससे आप अलग अलग टाइप से गेम खेल सकते हो, खुद भी खेल सकते हो, फैमिली के साथ भी खेल सकते हो, टीम के साथ भी खेल सकते हो, आउटडोर में भी खेल सकते हो, या आप चाहो तो इनडोर में भी खेल सकते हो। ये जो कलर है, जो भी कलर हो गैजेट पे आते हैं। बॉक्स कंटेंट में यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक रिमोट कंट्रोल, एक जायरोस्फीयर, इसके बाद एक चार्जिंग केबल एंड आपको यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। अब बॉक्स को करते हैं साइड में, फोकस करते हैं यहाँ पे गैजेट पे और इस रिमोट पे। तो गाइस सबसे पहले इसके फिजिकल ओवरव्यू बताऊँ तो थोड़ा सा अच्छा गैजेट है, मतलब हल्का है, 25 ग्राम के आसपास इसका वेट होने वाला है। और यहाँ फैन लगा हुआ है ऊपर की तरफ, यहाँ पे LED स्ट्रिप लाइट है, और बैक साइड में आपको एक बटन मिल जाएगा इसे ऑन ऑफ करने के लिए, जो कि माइक्रो USB होने वाला है, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब जस्ट इसे ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए आपको पीछे का जो बटन है इसे प्रेस करना है, एंड प्रेस करते हैं यहाँ पे एक LED लाइट जलने लगेगी, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे, और ये कुछ इस तरह से वाओ। तो ऐसा है, तो इसे अभी हम बंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। अभी इसे बंद करने के लिए आपको इससे बंद नहीं करना है, यानी कि डायरेक्ट आपको जो रिमोट मिलता है इसे ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ करने के लिए ये रिमोट दिया गया है। तो फाइनली गाइस बात करूँ, ये जो गैजेट है आपको 700 या 799 के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेना चाहिए नहीं तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा गैजेट है। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 25 मिनट चार्ज करने पड़ेंगे और 10 मिनट तक आप उड़ा सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। आराम से 10 मिनट फोन करो फिर चार्ज में लगा दो, थोड़ा सा रेस्ट भी तो करना पड़ता है, राइट। तो गाइस अब आते हैं सेकेंड गेम के ऊपर। तो ये होने वाला है एक डार्ट गेम, जैसा आप देख सकते हो ये आप मूवी में देखे ही होंगे। अब ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा है, इसे आप इंडोर और आउटडोर में भी लगा सकते हो, ऐसे इंडोर में लगाकर आप आराम से खेल पाओगे। यहाँ पे 3 आपको स्टिक देखने को मिल जाता है जिसे आपको इसमें लगाना पड़ता है। अब इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा दिया गया है, जैसा आप देख सकते हो, और पीछे की तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगा और आगे की तरफ भी यहाँ पे दिया गया है। अब इसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा टाइम इंगेज कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको गेम खेलने में। यहाँ पे आप सिंगल भी गेम खेल सकते हो, टीम के साथ भी गेम खेल सकते हो, और फैमिली के साथ भी यहाँ पे टाइम आप अपना स्पेंड कर सकते हो। अब जो ये टाइम होगा ये एक क्वालिटी टाइम होगा गाइस, क्योंकि स्मार्टफोन में हमेशा गेम खेलते आए हैं। एक बार ये भी ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब बात करें यहाँ पे इस सब का क्वालिटी का, तो यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। 4 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्टिक, जिसे आपको इसमें कुछ इस तरह से लगाना पड़ता है। यहाँ पर भी आप एक B-roll सैंपल देख सकते हो हमने किस तरह से गेम खेला है। ओके गाइस, तो गाइस अभी हम खेलने वाले डार्ट गेम, और जो गेम का रूल है मैं आपको बता देता हूँ। टीम ए और टीम बी रहेगा, दो जगह टीम हम डिवाइड कर रहे हैं। एक टीम को मिलेगा 4 यहाँ पे ये, एंड इसके बाद फिर से टीम बी को मिलेगा 4, एंड इसके बाद यहाँ पर जितना भी नंबर ज़्यादा आएगा टीम ए या बी का वो विनर होगा। तो अभी हम यही खेलने वाले हैं। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर टीम ए का जो मेंबर है श्रवण एंड एक अवध है, और दोनों के पास दो दो पिन जा चुका है। अब जो गाइस ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये है लगभग 10 फीट के आसपास, और ये सामने रखा गया है यहाँ पे डार्ट, और जैसा आप देख सकते हो डार्ट में यहाँ पे नंबर बना हुआ है। ये जो है ये 10 नंबर है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जितना नंबर जिस टीम का ज्यादा आएगा वो विनर होगा। तो आर यू एक्साइटेड? यस। गाइस यहाँ पर सबसे पहले भैया खेल रहे हैं, जो जिसके हाथ में 2 रेड यहाँ पे पिन है जैसा आप देख सकते हो, और ये अभी रेडी हो चुके हैं। अरे ये नीचे चला गया पहला पिन, एंड सेकेंड पिन यहाँ पे टीम ए का मेंबर जो श्रवण थे इनसे एक भी पिन नहीं लगा है, और ये मायूस होते हुए टीम से बाहर जा रहे हैं। ओके यहाँ पे अब जो टीम ए का सेकेंड मेंबर है अवध, ये अब ट्राई करेंगे, एंड यहाँ पर सबसे पहले अवध के पास 2 ग्रीन पिन है, एंड ये अभी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए इनसे भी एक गिर चुका है, एंड यहाँ पर सेकेंड 6 नंबर यहाँ पे जा रहा है अवध की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो टीम ए के मेंबर थे इनको 6 पॉइंट जा रहा है, ओनली 6। अब हम ट्राई करेंगे टीम बी के मेंबर। ओके तो गाइस टीम बी का मेंबर मैं हूँ, और यहाँ पे है विक्रम। अब अभी हम दोनों ट्राई करने वाले, मेरे पास ग्रीन पिन है और विक्रम के पास रेड पिन है, और यहाँ पर सेम अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप जैसा देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ। गाइस मैं जीत चुका हूँ, 8 नंबर यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, 8 पॉइंट पे फर्स्ट राउंड में मिस्टर श्रॉफ। मुझे प्रैक्टिस नहीं करने दिया, जीत चुका हूँ मैं। आप जानते हो ना एक्सक्यूज बनाना बहुत इजी होता है, वही ये लोग कर रहे हैं। ओके
अब गाइस ये जो डार्ट गेम है इसका प्राइस 450 है और 450 में आई थिंक ये वर्थ इट है, इसे आप ले सकते हो। आई थिंक 450 में यार बहुत ही अच्छा है, इसे आपको लेना ही चाहिए। मैं पबजी और सीओडी को नहीं बोल रहा हूँ मत खेलो, बट उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ये खेलो, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगा और अच्छा भी आपको लगेगा और दाम भी काफ़ी कम है। ओके गाइस चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट गैजेट के ऊपर। अब आते हैं गाइस यहाँ पे थर्ड गेम के ऊपर। जो थर्ड गेम होने वाला है ये होने वाला है एक ड्रॉप गेम, और जो ये ड्रॉप गेम है इसमें एक ही आदमी खेल सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे सच्ची। यहाँ पे कोई भी मुझे गेम ऐसा नहीं लगा कि यार बोरिंग सा है, ऐसा मुझे नहीं लगा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ही छोटा भी है और इसे आप ट्रेन में ट्रैवलिंग करते समय भी आप खेल सकते हैं। अब जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलता है एक मैग्नेट का स्टिक, आयरन बॉल रखा गया है, आपको जस्ट यहाँ पे पिक करना है कोई भी बॉल, और पिक करने के बाद जो ये होल सब है इस होल सब में आपको डालना है। अब ये जो गेम है ये आपको मेंटली आपको रिलैक्स भी फील होगा और आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंगेज होने वाला है, जो आपको खेलना चाहिए। इससे आपका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है और आपको काम करने भी फोकस रहता है। ओके गाइस तो काफ़ी अच्छा है, और इसका जो प्राइस है ये ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस नहीं ड्रॉप पजल गेम पजल 100 रुपीज़ ओनली। ओ वाह, तो गाइस इसका जो प्राइस है ये 100 रुपये का बस आपको देखने को मिल जाएगा। आई थिंक 100 रुपये में वर्थ इट है, इसे आपको लेना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसा गैजेट नहीं है जो आपको नहीं लेना चाहिए, सॉरी गेम है ऐसा नहीं है जो नहीं लेना चाहिए, सभी जो गेम है बहुत ही अच्छा है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट गेम के ऊपर। अब गाइस यहाँ पर जो फोर्थ गेम है ये होने वाला है, ये आप खेले होगे लेकिन इससे बड़े जगह पर खेले होगे, जहाँ पर गेम सेंटर होता है वहाँ पर आप खेले होगे। अगर आप नहीं खेले हो तो आप घर में भी खेल सकते हो। ये होने वाला है एक बॉलिंग गेम, इंडोर प्लस आउटडोर दोनों में खेल सकते हो, इतना छोटा है किसी टेबल पर रख के आप खेल लोगे। यहाँ पे आप इसमें दो प्लेयर के साथ खेल सकते हैं। अब गाइस ये जो बॉलिंग गेम है इसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहले एक वुड का पैड कुछ इस तरह से, इसके बाद यहाँ पिन रखा गया है 10 पिन और एक बॉल है, और एक चीज़ और भी आपको देखने को मिल जाता है जिससे आप स्ट्राइक कर सकते हो। अब इसे आपको सेट करना है कुछ इस तरह से, पैड पे ऐसे लगा देना है, और इसमें सभी पिन में आपको मैग्नेट लगा हुआ है और यहाँ पे आयरन है जिस वजह से चिपक जाता है, और ज़्यादा हार्ड नहीं चिपकता है क्योंकि बॉल से फिर तो स्ट्राइक करके गिराना भी तो है। तो कुछ इस तरह से यहाँ फटाफट मैं सेट कर देता हूँ। अब इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर देना है, बॉल रखना है और इसके बाद आपको थ्रो करना है, स्लोली करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है क्योंकि छोटा सा है ये, तो जस्ट आपको कुछ ऐसे कर देना है और आपका जो भी बॉल होगा गिर जाएगा। यहाँ पर आप दो प्लेयर के साथ खेल सकते हैं, खुद और एक अपने दोस्त को ले लो, बहुत ही अच्छा लगेगा। इंडोर और मिनिएचर टाइप भी इसे आप अपने डेस्क पे रख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस आप स्टडी टेबल तो बहुत तरह के देखे होंगे, बट ये जो स्टडी टेबल है ये 2-in-1 होने वाला है, इसमें आप लूडो भी खेल सकते हो और पढ़ भी सकते हो, काफ़ी अच्छा गैजेट है। इसे निकालते हैं, मैं बार बार गैजेट बोल रहा हूँ, आप गेम भी इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लास्टिक से लेमिनेट किया गया, इसे फटाफट यहाँ से हटा लेते हैं। वाओ, इसमें स्नेक गेम भी है और लूडो भी है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसे कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करके निकाल लेना है। तो गाइस ये जो टेबल है इस पर आप पढ़ भी सकते हो, लैपटॉप भी चला सकते हो। इसके बाद आपको मन है गेम खेलने का तो यहाँ पे आपको दो गेम देखने को मिल जाएगा, लूडो और स्नेक गेम यहाँ पे दिया गया है, दोनों खेल भी सकते हैं। और क्वालिटी का बात करो तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, बट पीछे की तरफ जो क्वालिटी दिया गया है ये काफ़ी अच्छा है, फोल्डेबल यहाँ पे क्वालिटी दिया गया और पीछे की तरफ भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद सामने की तरफ का जो क्वालिटी है लेमिनेट किया गया है प्लास्टिक से, तो ये काफ़ी अच्छा है। और प्लस में जो इसका प्राइस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा है, 350 में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे नॉर्मल आप टेबल लेते हो तो 300-350 का आता ही है, इस पर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है, तो ऑफकोर्स इसे आप कंसीडर कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट गाइस यहाँ पर जितना भी आपको मैंने गेम दिखाया ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इंजॉय आप कर सकते हो और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हो, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जो प्राइस है इस सभी गेम का ज़्यादा नहीं है, एक जो यहाँ पे है गेम ये जो आप देख रहे हो इसका प्राइस 700 या 800 के आसपास है, बट बाकी बात सभी जो यहाँ पे गेम है ये 500 रुपये के अंदर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और सभी जो गेम है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर आप ले भी सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, माइंड में कोई क्वेश्चन है इस गेम के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह का इंटरेस्टमेंट देखना आपको अच्छा लगता है तो निशन इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को आपको हिट करना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप आ सके। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय।